उसको मिक्स करके ब्लेंडेड करके एक उसकी क्वालिटी को इन्हेंस किया जाता है, उसकी वैरायटी को और क्वालिटी को और इन्हेंस किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। दैट्स द प्रोसेस कॉल्ड वाटर ब्लेंडिंग। ओके, टेरिकॉट और द पॉलीकॉट इज द ब्लेंडेड फैब्रिक ऑफ टेरिलिन एंड कॉटन। टेरिलिन और कॉटन को मिला के टेरिकॉट बना दिया, इसी तरह से पॉलीकॉट बना दिया, पॉलिस्टर और कॉटन को मिला के पॉलीकॉट। हाँ, पॉलीकॉट, टेरिकॉट, तो ये क्या है, दिस आर द ब्लेंडेड फैब्रिक्स। ये ब्लेंडेड फैब्रिक्स है, कौन ये दो अच्छे फाइबर्स को मिला के उसकी क्वालिटी को और भी इन्हेंस कर दिया, इम्प्रूव कर दिया। ओके, तो ब्लेंडेड करने से क्या होता है, इट कैन इंक्रीज और इम्प्रूव इन्हेंस द वॉटर क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स। सो दिस टेरिकॉट एंड पॉलीकॉट इज द ब्लेंडेड फैब्रिक्स ऑफ टेरिलिन एंड कॉटन। दिस एब्जॉर्बेंट फैब्रिक इज यूज इन मेकिंग द ट्राउजर्स, शर्ट्स, स्कर्ट्स एंड अदर टाइप ऑफ यूनिफॉर्म्स। टेरिवूल एंड पॉलीवूल विच इज ब्लेंडेड विद द फैब्रिक्स ऑफ टेरिलिन प्लस वूल। टेरिलिन और पॉलीवूल, टेरिवूल और पॉलीवूल जो है वो टेरिलिन और पॉलिस्टर को किसके साथ में, वूल के साथ में ब्लेंडेड किया जाता है। फर्स्ट में कॉटन के साथ में ब्लेंडेड किया जाता है, देन सेकेंड बार दैट इज ब्लेंडेड इन वॉटर, ब्लेंडेड विद दिस वूल। ओके, देन द टेरी सिल्क और द पॉली सिल्क, ये जो है वो टेरिलिन और पॉलिस्टर को सिल्क के साथ में ना क्या ब्लेंडेड किया जाता है। एंड इट इज यूज एज अ चीपर सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्योर सिल्क इन सारीज, ड्रेस एंड मटेरियल्स। पॉलिस्टर इज यूज इन मेकिंग द जैकेट्स, विंड चीटोर्स एंड क्विल्टेड जैकेट्स, जो गर्म जैकेट्स आते हैं लेयर वाले। पॉलिस्टर इज यूज इन मेकिंग द पीटी मीन्स फॉर्म फॉर द बॉटल्स एंड जार्स यूज फॉर द स्ट्रॉन्ग लिक्विड एंड अदर्स मटेरियल्स। पीटी मीन्स वाटर, द फुल फॉर्म ऑफ पीटी स्टैंड फॉर वाटर। पॉलीइथिलीन टेरेथलेट, पॉलीइथिलीन टेरेथलेट इज फुल फॉर्म फॉर ऑफ दिस पीटी। इट इज ए टाइप ऑफ पॉलीमर्स मेड अप ऑफ द पॉलिस्टर। इट इज यूज इन मेकिंग ए वैरायटी ऑफ यूटेंसिल्स, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, वायर्स, बेल्ट रोल्स इत्यादि। मीन्स बहुत सारे इसके अंदर हाउस होल्ड आइटम्स और वैराइटीज के आइटम्स आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट फाइबर, दैट इज एक्रेलिक। एक्रेलिक इज ए सिंथेटिक फाइबर दैट इज रिजेंबल्स अ वूल एंड इट इज यूज एज ए चीपर सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉर वूल। इट इज लाइट वेट, नॉट अफेक्टेड बाई द बैक्टीरिया, मॉथ्स एंड मॉइस्चर्स। इट डज नॉट श्रिंक, हैंस इट इज एक्सटेंसिवली यूज इन मेकिंग द गारमेंट्स सच एज द सॉल्स, स्वेटर्स, कार्पेट्स। इट इज यूज इन ब्लेंडेड विद द प्योर वूल। गारमेंट्स मेड फ्रॉम द एक्रेलिक आर द चीपर एंड मोर ड्यूरेबल दैन द प्योर वूल। तो यहाँ पे वूल का जो सब्स्टिट्यूट है दैट इज वॉट एक्रेलिक। ओके, सिल्क का जो सब्स्टिट्यूट है वो रेयन था और वूल का जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या है, एक्रेलिक। बिल्कुल सेम वूल के जैसा ही ये है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स के प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस के बारे में हमने पढ़ा, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स पढ़ा। ओके, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स हमने पढ़े। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बेस क्लास रिगार्डिंग any topic of today's class. If you have any doubt or any kind of questions in your mind, you are free to ask me. So once again, thank you from the bottom of my heart, and please continue your study, because in the next month maybe you have a PT first. Thank you, have a nice day.